हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल और आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के सिलेबस के बारे में। जैसा कि अभी वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है पर तो हम ओल्ड सिलेबस पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास 2 से 3 मंथ हैं जब तक हमारा वैकेंसी अनाउंस नहीं होता है, तो हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम है। तो सिलेबस की तरफ चलते हैं, सिलेबस देखते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा हिंदी में सिलेबस, तो हमारे देख लेते हैं क्वेश्चन कितने आएंगे। हमारे 150 टोटल क्वेश्चन होंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। हर क्वेश्चन के लिए एक आपको मार्क दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 है। और 2 हमारे पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन यानी जर्नल स्टडी का, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। और सेम पेपर आता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। और मेन सब्जेक्ट का दूसरा पेपर होता है, जैसे कि मेरा फिजिकल एजुकेशन है, किसी का हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट में आते हैं 120 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे 150 क्वेश्चन हो गए जो एक एक नंबर के आते हैं। ठीक है, तो सबका एक एक नंबर होता है, यानी कि हमारा टोटल मार्क्स भी 150 होगा। और आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का। तो हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस में दिया हुआ है 1 से 10 पॉइंट्स तक हमारा सिलेबस से देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत। तो इसमें शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, लक्ष्य, आवश्यकता, जैविक आधार, ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान, ऐसे इसमें भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा शारीरिक शिक्षा में संगठन एवं पर्यवेक्षण। फोर्थ पॉइंट है शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। शारीरिक शिक्षा में देह गति, खेल चिकित्सा एवं उपचार। सेवन पॉइंट स्वास्थ्य शिक्षा, खेलों के सिद्धांत एवं नियम, खेल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और मापन। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। हमारा सिलेबस इंग्लिश में भी है, जिनको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। टाइम है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सारा डिटेल इधर है। और ये सिलेबस है इंग्लिश में पूरा, इधर 10 पॉइंट इसमें भी हैं, जो जिसको सुइटेबल लगे उसे उसके अकॉर्डिंग वो देख सकता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी यूपी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए। हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट है सहायक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत, इससे रिलेटेड वीडियो आएगी जिसमें ये परिभाषा, उद्देश्य और आवश्यकता आए में वीडियो बनेगी। ठीक है, तो वीडियो बन सकती है, 2 से 3 वीडियो बनेंगी इस एक टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं यूपी एलटी ग्रेड की, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।